हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे तो बच्चों आज सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में मैं एक नया नया क्या जो मैंने ऑपरेटर का पार्ट वन जहां ख़त्म किया था जिसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को यूनरी बाइनरी टर्नरी यानी कि ऑपरेटर्स की कैटेगरी बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंट्स आज मैं वो सारे ऑपरेटर्स जो मैंने कल एज एन एग्जाम्पल बताए थे वो सारे एक्सप्लेन करूँगा अब सारे तो खैर नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक ऑपरेटर्स कई सारे हैं आज मैं उन ऑपरेटर्स में जो मेन इम्पॉर्टेंट है अर्थमेटिक ऑपरेटर हालांकि थोड़ा इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोग्रामिंग में बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेटर से ही आगे जो भी आप अपने प्रोग्रामिंग बनाओगे लाइक फैक्टोरियल पैलेंड्रोम आर्म स्ट्रॉन्ग हैप्पी नंबर उन सब में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सिम्बल्स का इस्तेमाल होगा तो देखते हैं बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा क्या है तो बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले किस कैटेगरी में आता है बाइनरी ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर होता है यानी कि इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंट्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन यानी कि इसके लिए दो ऑपरेंट्स की ज़रूरत होगी कोई भी टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए दूसरी इट टेक्स द न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों अर्थमेटिक नाम से पता चल रहा है जो मैथमेटिकली कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे जो मैथमेटिकली काम करे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे इसलिए इट टेक्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या करता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा फ्रॉम इट ऑपरेंट्स ऑपरेंट से जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू मैंने किया टेन प्लस फाइव तो ऑपरेंट से इसने वैल्यूज ये आपके ऑपरेंट्स हो गए मतलब वो वैल्यू जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है एंड आफ्टर ऑपरेशन जब ऑपरेशन हो जाएगा जिस तरीके जो भी टास्क आपको पूरा करना है इट रिटर्न से सिंगल वैल्यू क्या रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू मतलब टेन प्लस फाइव जब करेंगे तो एक रिटर्न करके वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्टीन ठीक है ना तो इट टेक्स द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम इट्स ऑपरेंट्स और फ्रॉम इट्स वेरेबल एंड आफ्टर ऑपरेशन इट रिटर्न ए सिंगल वैल्यू अब बच्चों ऐसे समझते हैं एक टेबल बना के ठीक है ना उस टेबल में अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेटर फाइव होते हैं फाइव सिम्बल्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें सबसे पहला सिम्बल है बच्चों प्लस का नाम है मीनिंग उसकी एडिशन एग्जाम्पल टेन प्लस फाइव बहुत जनरल वेरी इजी रिज़ल्ट आपका फिफ्टीन कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट माइनस सब्सट्रैक्शन कहा जाता है टेन माइनस फाइव फ़ाइव कोई कोई प्रॉब्लम नहीं फिर बच्चों आता है मल्टीप्लिकेशन थोड़ा यहाँ पे हम रुकेंगे प्लस माइनस तो एक जनरल काम हो गया मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा हम रुकते हैं बच्चों वैसे जनरली आप मैथ्स में करते हो तो मल्टीप्लिकेशन का ये क्रॉस सिंबल होता है लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में इस क्रॉस का कोई सिंबल नहीं है कीबोर्ड में कोई की नहीं है यानी मल्टीप्लिकेशन को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे एस्ट रिस्क से इस सिंबल का बच्चों नाम होता है एस्ट रिस्क ठीक है ना ये क्या काम करेगा मल्टीप्लीकेशन का टेन इंटू फाइव फिफ्टी ठीक है ना फिर बच्चों नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं डिवीज़न ठीक है ना बच्चों यहाँ डिवीज़न में हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करते ये सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा डिवीज़न में क्या इस्तेमाल होगा बच्चों फॉरवर्ड स्लैश क्या इस्तेमाल होगा फॉरवर्ड स्लैश याद रखिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे टेन डिवाइड बाई फाइव रिजल्ट क्या आ गया टू कोई दिक्कत नहीं है अब बच्चों ये तो सब हो गया ठीक है अब जो लास्ट सिंबल है बच्चों जिसे थोड़ा आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है मैथ्स में ऐसे आप लोग परसेंटेज परसेंटेज सिंबल बोलते हो लेकिन बच्चों प्रोग्रामिंग में इस सिंबल को बोला जाता है मॉडुलस ऑपरेटर या डिवीज़न आफ डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर मिलता है रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर बच्चों एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये जगह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में आगे मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी इसे अब बच्चों मॉडलस का देखिए थोड़ा सा टेन डिवाइड बाई फाइव जब टेन को आपने डिवाइड किया फाइव से फाइव टू जा टेन रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो बच्चों ये जो टू है ये तो डिवीज़न में चला जाता है और जो रिमाइंडर वैल्यू होती है बच्चों वो कहाँ आ जाती है मॉडलस में ठीक है ना मान लीजिए फाइव को डिवाइड किया टू से टू टू सा फोर क्या रिमाइंडर आया वन तो बच्चों इससे ये पता चल रहा है कि मॉडलस ऑपरेटर से हम लोग रिमाइंडर वैल्यू को शो करते हैं ठीक है ना और बच्चों इसका सिंबल देखिएगा परसेंटेज लेकिन हम इसे बोलते क्या है मॉडलस ऑपरेटर क्या बोलते हैं मॉडलस ऑपरेटर अब बच्चों हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का बाई यूजिंग बाई मेकिंग प्रोग्राम समझेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इससे पहले अभी हमने टेबल बनाई थी एग्जाम्पल में ठीक है न तो बच्चों प्रोग्राम में जैसे कि हमें पता है शुरुआत हम दोनों हेडरफाइल से करते हैं एस टी डी आई ओ डॉट एच कॉनी ओ डॉट एच उसके बाद हमारा मैन फंक्शन इस्टार्ट हुआ जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस्टार्ट होता है फिर बच्चों हमने दो वेरबिल ली जिसमें हमने एक में दे दिया टेन ए में और बी में दे दिया फाइव बच्चों आप यूज़र से इनपुट कराइएगा स्कैन एफ़ लगा लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है ठीक है ना क्लियर स्क्रीन ठीक है ना इससे अगर प्रोग्राम से पहले कोई प्रोग्राम आपने रन कराया होगा तो उसका जो आउटपुट हो रहा आएगा उसे क्लियर करने के लिए सी आर एस सी आर फिर बच्चों हमने सबसे पहले प्रिंट एफ लगाया यानी कि एडिशन के लिए एड इक्वल्स टू परसेंट डी पता है बच्चों परसेंट डी क्यों लगाया क्योंकि हमारा इंटीजर परसेंट डी यूज़ होगा ए प्लस बी यानी कि एडिशन के लिए सब्सट्रैक्ट इक्वल्स टू परसेंट एंड डी ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी डिवीज़न ए डिवाइड बी और रिमाइंडर इक्वल्स टू ए मॉड बी बच्चों मॉडल ऑपरेटर की एक बात और याद रखिएगा मॉडल्स ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर या होल नंबर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है मॉडलस ऑपरेटर आप फ्रैक्शनल वैल्यू में इस्तेमाल नहीं कर सकते यानी कि अगर कोई डेसिमल वैल्यू है या फ्रैक्शनल वैल्यू है वहाँ पे मॉडलस ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है ठीक है ना बच्चों याद रखिएगा बाकी का जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको एडिशन में सब्सक्रैपन में जो भी आपका रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा और रन कराने के लिए भी एक दिन मैंने आपको प्रोसीजर सारा बता दिया था ठीक है टर्बो सी प्लस प्लस या सी कंपाइलर होना चाहिए आपके सिस्टम में वैसे आप अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे सोर्स कोड को और वहाँ पे एग्जीक्यूशन करेंगे ठीक है बच्चों ओके थैंक यू